भाई ये शॉपर देख सकते हैं कितने से शॉपर है और 2.5 लाख रुपए का सामान आया है। नोटों की गड्डी चेक कर ले, 2.5 लाख रुपए का जो है ना ये सामान आया है। 30,000 रुपए का जूस का एक गिलास। अमीर हो गया भाई, मैं अमीर हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट वन देख लिया होगा अब तक, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और पार्ट टू में आपको दिखाएंगे यहाँ पर कुंभ में हम एंटर होने वाले हैं, और जिस तरह एंटर हो रहे हैं आप देख सकते हैं भाई, बयाबान ही बयाबान है। तो इस तरह तो हमें लग रहा था कि भाई कि कुंभ भी इसी तरह ही होगा, पुराने घर बने होंगे, मिट्टी के घर बने हुए होंगे और इस तरह लोग रह रहे होंगे। मगर जब हम जैसे जैसे आगे जाते रहे, तो हम जैसे ही एंटर हुए कुंभ में, तो हमें जो है भाई पता चला ये तो भाई बहुत डेवलप्ड मुल्क है यार, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो है इनके काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और रोड्स वगैरह और बहुत सी ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि बहुत अच्छी थी यहाँ के हवाले से। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम जैसे जैसे जाते रहे, फिर जो है रात हो गई, बारिश का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया। भाई अभी होटल का आपको मंज़र दिखाते हैं, होटल में आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि होटल की प्राइसिंग वगैरह क्या है, रूम्स कैसे हैं हमारे, और किचन वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। जैसे हम एंटर हो रहे हैं होटल के अंदर, तो आपको जो है ये लॉन्च दिखेगा, प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन टेबल वगैरह दिखेगी जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ का स्टाफ वगैरह भी जो है काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, और देख सकते हैं भाई होटल वगैरह भी जो है वीआईपी होटल्स वगैरह हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा जो है नीचे बेसमेंट में जो है इन्होंने किचन प्रॉपर बनाया हुआ है, अगर किसी को खाना वगैरह बनवाना है बनाना है तो यहाँ नीचे जाकर जो है प्रॉपर चूल्हे वगैरह दिए गए हैं, जो अपने हिसाब से आप खाना वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे डाइनिंग भी दिया गया है, और आप सर्व करके यहाँ पे खा वगैरह भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा खाना वगैरह यहाँ पर इंशाल्लाह बनाया जाएगा। फिर हम लिफ्ट में चल के जो है आपको दिखाते हैं रूम वगैरह, हमारा रूम के हमारे रूम कैसा रूम है, तो लेट्स ही आपको दिखाते हैं रूम की सिचुएशन। और जैसे ही फ्लोर पर आते हैं तो फ्लोर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत से रूम्स मौजूद हैं। फ्रिज रखा हुआ है, सोफ़ा है, दो बेड ये है, एक बेड ये है, टीवी है, और ये हीटर है, बाकी वॉशरूम दिया हुआ है। वॉशरूम देख लें भाई, साफ़ सुथरा वॉशरूम है भाई। आपको कुंभ की गलियां भी दिखानी है, यहाँ पे ज्यारतें वगैरह कौन सी हैं वो भी दिखानी है, बाज़ार वगैरह भी दिखाने हैं, सब चीज़ें दिखानी है। मगर लेट्स सी, फिर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या मामलात हैं। यहाँ पे देखें ऐसी बाइकें होती है, और यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है आप अगर आपको जाना है तो ये ग्लव्स साथ दिए हुए होते हैं, आप अंदर हाथ डालें ऐसे और पकड़ के चलें, ना आपको सर्दी लगेगी ना कुछ। और आगे फ्रंट शीशा दिया हुआ है ताकि आपको सर्दी से और हवा से बचा सके। और हाँ, होंडा की बाइक जो है ना ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है यहाँ पे, CG125 होंडा, वही स्टाइल वही सारी चीज़ है। और ये देखें भाई मेरी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि भाई सर्दी यहाँ पर जो है ठीक ठाक हुई हुई है। और अभी जो है सिलसिला ये है कि सुबह के बज रहे हैं 7:30, और मेरे पीछे जैसे आप होटल्स वगैरह देख रहे हैं, मुख्तलिफ होटल्स वगैरह हैं, VIP होटल्स होते हैं ये, ठीक है। ये देखें बड़े बेहतरीन जो है वो होटल्स होते हैं, 5 स्टार्स होटल्स हैं यहाँ पर। तो आपने जैसे कि जो है मेरे रूम वगैरह देख लिया होगा, जहाँ पे मैं ठहरा हूँ मेरा होटल देख लिया होगा। और सीन ये कि अभी सुबह का बज रहा है 7:30, और अभी भूख लग रही है शदीद, और काफ़ी दिनों से जो है ना पाकिस्तानी खाना नहीं खाया है। पाकिस्तानी टेस्ट का कुछ खाना थोड़ा बहुत तो खाया है, मगर वैसा जो है ना खाने का दिल हो रहा है जैसे जो है ना नाश्ते में हलवा पूरी पराठे ये वाली चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा, एक बंदे ने बताया, बोला भाई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पर एक है आपको मिलेगा, तो आप वहाँ जाके मालूम कर लें, वहाँ पराठे वगैरह आपको जो चीज़ें चाहें वो मिल जाएगी। तो अभी जो है ना हम चक्कर लगाया हमने वहाँ पर, और अभी वो बंद है, कह रहे हैं कि जो है ना 7:30 अभी बज रहे हैं, कह रहे हैं 8-8:15 बजे खोलेंगे तो फिर जो है हम वहाँ से खाते हैं भाई। यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है जो कि जो पानी
पाकिस्तानी स्टाइल में जो है वो सब मिलता है। अगर आपको जो है यहाँ पे पराठा खाना है सुबह नाश्ते में, कोरमा खाना है, कढ़ाई खानी है, जो खाना है आपको यहाँ मिलेगा। और अभी ये होटल बंद है, तो जैसे ही खुलता है तो फिर आपको बताते हैं यहाँ पर। भाई हमारे नसीब में नहीं था और होटल इस दिन जो है खुला ही नहीं, इत्तेफाकन कोई इनकी मजबूरी हो गई जिस वजह से इन्होंने होटल ही नहीं खोला। तो लेट्स सी, नसीब की बात है, फिर आगे दिखाते हैं आपको। पर यहाँ पे इस तरह जो है ना बड़े बड़े बन मिलते हैं, सही है, और ये नाश्ते में लोग खाते हैं मोस्टली ना, काफ़ी अच्छे होते हैं, ताज़े ताज़े होते हैं। भाई कराची में लोग रो रहे होते हैं कि भाई 120 रुपये 150 रुपये केला दर्जन मिल रहा है, यहाँ पे 600 रुपये जो है पाकिस्तानी केला मिल रहा है, वो भी किलो के हिसाब से। भाई ये जितनी भी रौनक देख रहे हैं आप, ये जो है बीबी मौसम कुंभ का रोज़ा है और इसी के सामने गली पे जो है हमारा होटल मौजूद है। और आपको जो है इंशाल्लाह इस नेक्स्ट एपिसोड में या उसके अगले एपिसोड में सारी डिटेल्स बताएंगे इनकी बीबी मौसम कुंभ के हवाले से। भाई देखें यहाँ पे जो है ना टेलीफोन सिस्टम रखा हुआ है, सही है, और ये पार्किंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, कोई एक के ऊपर एक बाइक नहीं रखी जाएगी, और बाइक भी तरीके से रखी हुई है गैप देखें, ठीक है, जिसको खड़ी करनी आओ खड़ी करो और ख़ुद ही निकालो, खुद ही खड़ा करो और फिर जाते हुए जो है एंट्रेंस दे के जाओ, सही है। अमाउंट थोड़ी सी ये देखें भाई खड़े हुए, बिल्कुल पर्ची वर्ची देंगे आपको और प्रॉपर आपको यहाँ से आप पार्किंग के पैसे इनको देते हुए निकल जाएं, ये निज़ाम है यहाँ का। भाई फिर एंटर हो गए हम मार्केट में, और मार्केट यहाँ पे बताते चलें बहुत सारी मार्केट्स यहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स मौजूद हैं। अगर जो है श्राइन्स के बराबर में अगर मार्केट्स मौजूद है तो वहाँ पे आपको महंगा माल मिल रहा होता है, और अगर आप श्राइन से दूर अगर जाके कहीं परचेस करते हैं मार्केट से तो वहाँ आपको सस्ता माल मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट में अभी सिर्फ आपको सरसरी सा बता रहे कि भाई यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स यहाँ मौजूद हैं और मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली लोग हिजाब कर रही होती हैं औरतें वगैरह, और बहुत पर्दे का सीन होता है यहाँ पर ईरान में ना, और इस हवाले से आप देख सकते हैं खाने पीने के हवाले से और दूसरे हवाले से भी आपको पूरी सारी जानकारी दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर खाना पीना वगैरह कैसा है, प्राइसिंग वगैरह कैसा है मार्केट के हवाले से, और ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी जो हम ये मार्केट घूम रहे हैं ये आपको बताते चलें, ये बीबी मौसम कुंभ के श्राइन जो है उसके अतराफ ये मार्केट सारी लग रही है, और अभी आपको दिखाते जाएंगे आगे के भाई और आइटम्स क्या क्या यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम है जिस वजह से जो है लोग यहाँ पर कम मौजूद हैं, मगर भाई ये यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी बताते चलें, भाई लोग जो है यहाँ पर जल्दी उठ जाते हैं और दुकानें वगैरह यहाँ पर जल्दी खुल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 7:30 बजे दुकानें खुल जाती हैं और मार्केट वगैरह भी आप देख सकते हैं ये मार्केट भी खुली हुई है। अभी हम चलते हैं भाई, एक्सचेंज वगैरह भी करवाना है हमें, तो एक्सचेंज के लिए भी दुकान वगैरह चेक कर रहे हैं हम और मालूम कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्राइस में हमें जो है यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज मिल सकती है, और अच्छे रेट में जहाँ मिलेगी वहीं से हम जो है इंशाल्लाह एक्सचेंज वगैरह करवाएंगे और फिर आपको बताएंगे किस रेट में हमें क्या करेंसी यहाँ पर मिली है। और ये सारा अतराफ़ देख सकते हैं, खूबसूरत मौसम हो रहा है, ठंड हो रही है। भाई एक दो चीज़ें जो है आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पर, जैसे जैसे हम चल रहे हैं एक दो चीज़ें हमने जो नोट करी हूँ आपको सारी मैं आपको मालूमात बताता चलूँ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इन चीज़ों के हवाले से जो है मोहतात भी रहें कि भाई बस के हवाले से अगर आप बस का सफ़र कर रहे हैं ईरानियों के साथ, तो हर कोई ईरानी एक जैसा नहीं है, कुछ होते हैं ऊपर नीच, तो ईरानी जो है बस के हवाले से आपको कहीं पर रोकेंगे नहीं, ठीक है, और बहुत शोर मचाएंगे भाई। अगर को रोक भी दिया उन्होंने, बोला भाई 5 मिनट में आ जाओ, तो 5 मिनट से पहले आपको बोल देंगे चलो भाई चलो चलो जल्दी बस में बैठो, वो चला देंगे, और बहुत कभी कभी जो ऐसा होता है कि बदतमीजी भी करते हैं काफ़ी ना,
और आपको बहुत बुरा लगता है कि यार आप एक तो जो है आप इनके मुल्क को दिखा भी रहे हैं और दूसरे ये कि जो है आपके साथ जो है इस तरह सलूक भी कर रही है और इस तरह मामला आता है। बाकी आपको बताते चलें भाई, एक जगह और हमने यहाँ पर पीछे करेंसी पूछी थी तो वहाँ पर रेट अच्छा लग रहा था हमें, तो लेट्स सी अगर आप आगे भी जो है अगर हमें करेंसी पॉइंट कोई अच्छा दिखता है जहाँ पर इससे बेहतर करेंसी मिल सकती होगी तो हम वहाँ से ले लेंगे, वरना फिर देखते हैं क्या मामलात बनते हैं। और दूसरी एक और चीज़ के भाई, अगर लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो लैंग्वेज बैरियर आपको बहुत रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं समझी जाती ना उर्दू समझी जाती है। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो अपने साथ कोई ट्रांसलेटर लेके घूमें या जो है गूगल ट्रांसलेटर इनको बताते जाएं और उस हिसाब से आपको बताते जाएंगे। भाई हमें जो है करेंसी मिल चुकी है भाई, माशाल्लाह। भाई 1 मिलियन का नोट, 1 मिलियन रियाल्स, 1 लाख। अमीर हो गया भाई, मैं अमीर हो गया। भाई इस करेंसी की वैल्यू क्या है, वैल्यू आपको बताते चलें कि भाई 1 मिलियन रियाल है, फिर जो है 1 लाख है, 50 लाख है, 50 हज़ार भी है और 10 हज़ार भी है, इस तरह अलग अलग नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई यहाँ पर रियाल और तुमान दो तरीके से चलता है, अगर 1 मिलियन रियाल है ठीक है तो उसका आप 1 ज़ीरो हटा देंगे तो वो तुमान शुमार किया जाएगा ठीक है। और तुमान का आपको मैं रेट बताता चलूँ, अगर पाकिस्तानी 1,000 रुपये हैं आपके पास उसको कन्वर्ट करेंगे तो ईरानी का रेट बनेगा आपका 1,40,000 या 1,50,000, मतलब 1,000 आप दें और 1,50,000 रुपये तक का आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा यहाँ पर। भाई सिम के हवाले से आपको बताते चलें, अगर आप सिम लेंगे यहाँ से तो आपको पड़ जाएगी ईरानी 2.5 लाख रुपए की, जो कि पाकिस्तानी 2-2.5 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आपको डेटा प्लस सिम मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वीपीएन सारे काम करते हैं, डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं चला सकते। भाई यहाँ जूते देख लो भाई, यहाँ पे जो है ना लोग अमेजोन अमेजोन वाले जूतों के पीछे जा रहे हैं, 7-8-8, 10-10 हज़ार रुपये के तेरे हैं कराची में। यहाँ पे वही जूते जो है आपको 2,000, 2,500, 3,000 के पड़ जाएंगे, और बेहतरीन क्वालिटी है यार, वो नहीं है क्वालिटी, ये ग्रेट क्वालिटी। ये चेक करें, ये देखें भाई डिज़ाइन। सिर्फ बताने का मकसद ये है खुद चीज़ बनाए, अच्छी बनाए टक्कर की, ताकि जो है लोग ले सकें आपसे। भाई यहाँ पे जूस बन रहा है, और जूस जो है देख सकते हैं मौसम्बी का जूस है, अनार का है, बाकी खरबूजा दे रहा है, मिल्क दे रहा है, कॉर्न दे रहा है, कप कॉर्न। तो ये बनाते कैसे हैं यहाँ पे, और पाकिस्तानी 200 रुपये का गिलास है यहाँ पर ठीक है। और जगह जगह पे जो है अभी सर्दी शदीद हो रही है यहाँ पे, उसके बावजूद लोग शौकीन है आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम भी लोग खाते हैं। और ये देखें, ये भी आइसक्रीम के कप्स पकड़े हुए हैं, और अभी ये बना रहे हैं जूस, आपको दिखाते हैं किस तरह बनता ही है। अभी ये मौसम्बी का बना रहे हैं, देखें ये डाल दिया इन्होंने मशीन है ठीक है। एक गिलास जो है आपको पड़ेगा पाकिस्तानी 200 रुपये का, अगर यहाँ के प्राइस से देखेंगे तो 30,000 रुपये का भाई ये पड़ रहा है आपको, 30,000 रुपये का जूस का एक गिलास फ्रेश निकाल लें, देखें पूरी मशीन है, फ्रेश निकाल लें। और सर्दी में जो है वो आइसक्रीम और फ्रेश जूस खाने का मज़ा ही कुछ और है। भाई अनार का बना रहा, छोटे छोटे अनार इसने डाल दिए इसमें, ये जूस लाल बिल्कुल प्योर ताज़ा ताज़ा निकाला है ठीक है। और ये देखें इस पे रखते हैं ये, और सीधा जो है वो ये बिल्कुल जो है वो ताज़ा बना दिया इन्होंने यहाँ पर, और काफ़ी जो है ना देखें पहले आपको दिखा रहे हैं कि भाई देख लो ख़राब नहीं है, फिर उस हिसाब से ये बनाते हैं। अभी जो ऑरेंज हमने पी लिया है वो भी चेक करते हैं पीकर, और ये भी चेक करते हैं कैसा है, बस पी के ट्राई करते हैं।
इतना खट्टा है यकीन करें, ये लोग तो फ्रेश बनाते हैं, हम वाले होते हैं भाई चीनी डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया, मगर ये बिल्कुल फ्रेश आपके सामने बना रहे हैं। अनार का भी ट्राई करते हैं, ये तो यकीन करें बहुत खट्टा हो रहा है भाई। अनार का भी आ गया प्योर निकाला है, अब पी के चेक करते हैं। ओए भाई अनार जो है ना वो मज़ा दिया इसने, इन्हें जो दिया किन फटा था अनार जो है उसका टेस्ट वीआईपी आ रहा है, फ्रेश मज़ेदार भाई। यहाँ पे जो है ना सुबह मार्केटें खुल जाती हैं, 8 बजे तक मार्केटें खुल जाती हैं, और कुछ तो दुकानें ऐसी हैं जैसे आप देख सकते हैं जनरल स्टोर्स वगैरह जो कि सुबह 7 बजे ही खुल जाते हैं नमाज के फौरन बाद, ठीक है। और अभी सर्दी की ये इंतहा है कि सर्दी अभी जो है ना वो 10 सेंटीग्रेड 8 सेंटीग्रेड 12 सेंटीग्रेड इस तरह चल रही होती है, तो अभी ये मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो है मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं की होती है, यहीं पे ये लोग खुद करते हैं, और काफ़ी अच्छे आइटम इनके पास मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह जो है मार्केट आपने कुछ देखी भी होगी, और बाकी जो है आपको दिखाएंगे भी मार्केट वगैरह क्या सीन होता है। और सफाई सुथराई देखें यार, सफाई सुथराई के तो जो है ना इनको 10 में से 10 नंबर देने चाहिए, कोई कचरा नहीं है, कोई जो है ना वो ऐसे मामला नहीं है जिससे जो है ना कोई बाहर फॉरेनर आके कहे कि यार ये देखें यार ये इस तरह मामला है। बड़े अच्छे लोग हैं, और आप यहाँ पे जो है ना सुकून से रहें, ताज़ी हवा, खुशगवार मौसम, सुकून,